बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की एक्सपर्ट सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर आपको उन सब प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन बताए जाएंगे जो आपको अभी तक बिजनेस में आ चुके हैं या आपको आने वाले टाइम के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, मैं आप सबको इस साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि आप सब उन प्रॉब्लम्स के आपके पास पहले से ही सोल्यूशन हो जो आपको प्रॉब्लम्स जो फ्यूचर के अंदर आपको आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इस फील्ड के अंदर आपको जो चीज़ इस बिजनेस के अंदर आपसे वर्क करवाती है ना, वो सबसे मेन चीज जो है ना वो आपके ड्रीम्स हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ना वो हम नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज का आगाज करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले वीडियो का आगाज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो टॉपिक है वो रिमेंबर योर ड्रीम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने पास कॉपी पेंसिल ले आए। ठीक है, ताकि आप जो भी मैं आप सबको पॉइंट्स बताने वाला हूं, ठीक है, जो भी आप सबको नॉलेज देने वाला हूं, जो आपको मार्केट के अंदर हजारों रुपए देने के बावजूद भी नहीं मिल सकती, ठीक है, तो वो मैं आपको नॉलेज स्टेप बाय स्टेप सारा प्रॉपर सीक्वेंस वाइज गाइड करूंगा। ठीक है, आप उनको सीक्वेंस वाइज अपने पास नोट करके रखें ताकि आपको कोई भी जो भी आपके प्रोस्पेक्ट की तरफ से, जो भी न्यू पर्सन की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी आपके पास जो है ना वो ऐसा इशू आए जिसको जिसका आंसर आपके पास ना हो, ठीक है, ताकि अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट किया होगा, तो आपके माइंड में वो सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे जो आपके प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप सबको कभी लगा है कि आपको जितनी मेहनत इस फील्ड के अंदर करनी चाहिए या जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे, यानी जितनी मेहनत आपके सीनियर्स कर रहे हैं उतनी मेहनत अभी तक आप नहीं कर पा रहे या अभी तक आपने नहीं की? तो सबसे पहले आप मुझे ना कमेंट के अंदर बताएं लाजमी कि अभी तक आपको लगता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं या आप जो भी ड्रीम्स को सोच के इस बिजनेस के अंदर आए थे, अचानक से ऐसा हुआ कि आपको लगा कि यार ये तो काम बहुत टफ है, इसके अंदर मुझसे तो नहीं, मैं तो नहीं यार ये काम कर सकता या मैं तो नहीं ये काम कर सकती। ठीक है, अगर तो आपके माइंड में ये बात आई है कि यार ये तो काम बहुत मुश्किल है और मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह ताला इस सीरीज के अंदर मैं आपको ऐसा प्रिपेयर कर दूंगा कि आप इस बिजनेस के अंदर जो है ना वो अपने लेवल्स को बहुत जल्दी जो है ना वो प्रोफेशनली तरीके से अपग्रेड कर सकेंगे। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी अपनी बड़ी से बड़ी टीम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा इसके अंदर प्रॉपर आपको जो है ना वो मैं एक वे बताऊंगा, प्रॉपर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और प्रॉपर आपको जो है ना वो सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपको आपके आने वाले फ्यूचर में आ सकती हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप अपना जो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको लगता है कि अभी तक आप उतनी मेहनत की है आपने जितनी आपको करनी चाहिए या जो जो भी ड्रीम्स आप इस बिजनेस के अंदर लेके आए थे वो आपको अभी आके ऐसा लग रहा है कि यार ये तो ड्रीम्स मेरे कभी पूरे नहीं हो सकते या मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है लेकिन मैं इसके अंदर अच्छे से वर्किंग नहीं कर सकता या मेरे पास इसके मुताबिक स्किल्स नहीं है अभी, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ओके, अपना सबसे पहले एक मैं आपको आपसे आज की वीडियो का आगाज करता हूँ एक मिसाल से। ठीक है, अगर हम लोग एक दो जानवरों की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसमें से पहले नंबर पे हम रखते हैं शेर को और दूसरे नंबर पे हम रखते हैं हिरण को। ठीक है, अब एक ने शेर ने हिरण का शिकार करना है, ठीक है, और हिरण ने आज शेर का शिकार होना है। अब ये दोनों जो जानवर हैं, अगर कभी आपने देखा है कि जो शेर है वो हिरण का शिकार करने निकला है, ठीक है, और उसने हिरण को देखा है और वो बिल्कुल स्लो स्लो जो है ना वो भाग रहा है, वो कह रहा है कि चलो आज तो मैं हिरण का शिकार कर ही रहूंगा, या कभी आपने देखा हो कि हिरण जो है वो बिल्कुल स्लो स्लो भाग रही हो आगे से जब उसके पीछे शेर लगा हो के वो कहे कि यार आज मैं बच जाऊंगी शेर से, कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दोनों अपनी 100% पोटेंशियल से भाग रहे होते हैं। ठीक है, एक ने अपनी जान बचानी होती है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं आज अपनी 100% पोटेंशियल से ना भागी तो मेरा शिकार हो जाएगा जो शेर कर लेगा। ठीक है, और शेर को भी पता है कि अगर मैं अपने 100% पोटेंशियल से आज ना भागा तो मैं आज भूखा रह जाऊंगा, मेरे से आज शिकार नहीं होगा। ठीक है, कभी आपने देखा ऐसा? बिल्कुल नहीं देखा होगा। लेकिन अगर हम इसके बरक्स इंसानों की बात करें तो इंसान बिल्कुल स्लो मोशन, वो कहता है कि यार चलो आज करते हैं या आज छोड़ दो कल करते हैं। ठीक है, या कुछ दिन बाद करते हैं या आज चलो छोड़ देता हूँ यार आज रेस्ट करता हूँ कल से करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर एक दिन नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अपना इस बिजनेस के अंदर, मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, अगर हम इस बिजनेस के अंदर अपना 100% पोटेंशियल नहीं देंगे, ठीक है, तो कभी भी जो है ना हम जो ड्रीम्स इस बिजनेस के अंदर लेके आए हैं वो हम कभी पूरे नहीं कर सकेंगे। हमें कोई भी अगर काम करना था तो हमें उसके अंदर अपनी 100% पोटेंशियल देनी पड़ती है, स्टार्टिंग के अंदर हमें अपनी 100% करनी पड़ती है और उसको ग्रो अप करना होता है, अपने लेवल को अपग्रेड करना होता है। ठीक है, और हमारा लेवल तब भी अपग्रेड होता है जब हम अपनी 100% पोटेंशियल देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमें हमारे साथ क्या होता है इंसानों के साथ कि कभी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली, ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर लिया, ठीक है, या हमने उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया, थोड़े से फेलियर्स मजीद आए और हमने जो है ना वो फिर ठंडे होकर बैठ के हमने काम करना जो है ना वो छोड़ दिया, या फिर कभी हमने देखा कि यार हमारे सीनियर्स के जो चेक है ना वो बढ़ रहे हैं और जो भी हमारी टीम के अंदर पर्सन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर रहे हैं या वो अपनी
अपनी टीम आहिस्ते से डेवलप करें, तो हमें फिर थोड़ी सी मोटिवेशन मिली, हमने फिर से काम करना स्टार्ट किया और फिर थोड़े दिनों के बाद जो है ना वो हमें थोड़े बहुत ऑब्जेक्शन आए, ठीक है, और हमने जो है ना वो दोबारा से काम को छोड़ दिया। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी 100% पोटेंशियल नहीं दे रहे, ठीक है। हम चलते हैं थोड़ी देर मोटिवेशन लेके और उसके बाद दोबारा रुक जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देता हूँ, 100% पोटेंशियल अगर हम लोग नहीं लेकर चलेंगे तो हम अपने बिजनेस के अंदर जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो कैसे है कि अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि कभी आपने अगर आपका हवाई जहाज पे सैल का या हवाई जहाज पे सफर का आपका एक्सपीरियंस रहा हो, तो आपने देखा हो कि जब हवाई जहाज रनवे पे भाग रहा होता है ना तो वो अपनी 100% पोटेंशियल के साथ भागता है, देन ही वो रनवे को छोड़ के हवा के ऊपर उड़ता है। कभी आपने ये तो नहीं देखा कि हवाई जहाज जो है वो बिल्कुल स्लो चल रहा है और अचानक से जो है ना वो हवा में उड़ गया? कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब तक वो अपनी 100% पोटेंशियल नहीं ना देगा तब तक वो हवा के अंदर नहीं उड़ सकता। जब वो अपनी 100% पोटेंशियल दे देगा, ठीक है, जब वो अपनी 100% पोटेंशियल दे देगा देन ही वो हवा में उड़ेगा, डनी वो हवा में उड़ेगा जब वो अपनी 100% पोटेंशियल देगा, ठीक है। जब वो अपनी 100% पोटेंशियल नहीं देगा हवा में नहीं उड़ेगा, जब वो अपनी 100% पोटेंशियल देके हवा में उड़ जाता है ना तो तब हवा में जाके वो अपनी स्पीड अगर 40% भी कर देता है ना तो वो हवा के अंदर ही रहता है, ठीक है। यानी कहने का मकसद यह है कि अगर आप अपनी 100% पोटेंशियल देके एक बार अपने बिजनेस को जमीन से उठा लें, यानी अपने लेवल को अपग्रेड कर लें, तो देन आप अपनी वर्किंग थोड़ी सी स्लो भी कर देंगे ना तो इससे इशू नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने उड़ान भर ली है, ठीक है, एक बार आपने अपनी कामयाबी की तरफ उड़ान भर ली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग जमीन को नहीं ना छोड़ेंगे, ठीक है, यानी अगर हम लोग अपने 100% पोटेंशियल दे के जमीन को नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी हम हवा के अंदर नहीं उड़ सकते, ठीक है। हमें अपना 100% पोटेंशियल देना ही पड़ेगा, तो देते क्यों नहीं हो भाई, क्यों नहीं देते? देना तो पड़ेगा। अब 100% पोटेंशियल दोगे देन ही आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर जो है ना वो आप ग्रो अप कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर इकलौती एक ही चीज़ है जो हम सबसे काम करवा सकती है और वो है हमारे ड्रीम्स, यानी हमारे ख्वाब, ठीक है, जो हम मतलब अपने ख्वाब देखते हैं, जिन्हें भी हमने, जिन्हें हमें पूरा करना होता है, ठीक है। हमारे वो ख्वाब पूरे क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे जो ख्वाब होते हैं ना वो, यानी जो हमारे ड्रीम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कहीं ना कहीं वो मतलब जो है ना वो हमने उनको स्ट्रॉन्ग नहीं किया होता, ठीक है। हम इस बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे जो ख्वाब है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम एक दिन कोई चीज़ सोचते हैं, दूसरे दिन कोई चीज़ सोचते हैं, ठीक है। अगर हम अपने ख्वाबों को स्ट्रॉन्ग कर लें, यानी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आप कहें कि यार मैंने ये हासिल करके ही छोड़नी है, तो आप उसे हासिल कर लेंगे, ठीक है। यानी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ख्वाब हमेशा वो नहीं होते जो हम लोग रातों को सो के देखते हैं। हम लोग समझते हैं कि ख्वाब वो होते हैं कि हम रात को सोए हुए हैं और अचानक से हमें ख्वाब आया कि यार मैंने अपना जहाज खरीद लिया या मैंने अपनी नई गाड़ी खरीद ली है, तो हम समझते हैं कि ये ख्वाब है। बल्कि हकीकत ये है कि ख्वाब वो नहीं होते जो आप रातों को सो के देखते हो, बल्कि ख्वाब वो होते हैं कि जो आपको रातों को सोने नहीं देते। क्या नहीं, अगर मैंने अपने लिए ये ड्रीम सोच लिया है या मैंने अपने लिए ये ख्वाब सोच लिया कि यार मुझे ये चीज़ करनी है या मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो मैं जब तक इसे हासिल नहीं ना कर लूँगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ठीक है, या मैं चैन से नहीं बैठूंगी, ठीक है। आप सबके सपने हैं जरूर, आप सबके ख्वाब हैं जरूर, लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने उन्हें होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो आपने सुना होगा, सब आप सबने सुना होगा कि अगर इंसान किसी चीज़ को पाने की कोशिश में लग जाए और वो मुसलसल उसके पीछे जो है ना वो पागल हो जाए कि यार मुझे ये चीज़ हासिल करके ही छोड़नी है। यानी आपने देखा होगा कि अगर इंसान किसी चीज़ को चाहने की ख्वाहिश करता है ना, तो आपने सुना होगा काफ़ी बार कि पूरी कायनात ना उसको उस चीज़ से मिलाने के अंदर जो है ना वो लग जाती है, ठीक है। यानी इंसान ने जो भी चीज़ सोची होती है, ठीक है, अगर यार आप लोग अल्लाह ताला से मांग के तो देखो, अल्लाह ताला से दुआ करो, अपनी वर्किंग को साथ साथ करो, आप मेहनत करो, ठीक है। और हर जीनियस जो भी होता है ना, यानी जो भी दुनिया का अमीर तरीन शख्स होता है, ठीक है, उसको सबसे पहले लोग पागल ही कहते हैं कि यार ये पागल हो गया है, इसको कोई समझ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या क्या करी जा रहा है। बाद में वही लोग जो है ना, वही जिनको लोगों ने पागल कहा होता है, वही अपनी जो है ना वो वर्किंग के साथ अपनी दुनिया को प्रॉपरली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ख्वाब वही होता है कि जो आपको शुरू में जो है ना वो इम्पॉसिबल लग रहा होता है, यानी आपको लग रहा होता है कि यार ये तो चीज़ इम्पॉसिबल है, यानी अगर मैंने ये चीज़ सोच लिया ना कि यार मुझे अपने लिए जो है ना वो फरारी खरीदनी है, तो यार ये इम्पॉसिबल है। ख्वाब हमेशा वही होता है कि जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो कि यार ये मुमकिन नहीं है, ठीक है, यार कितना कोई इम्पॉसिबल है, 0%, या माइनस में अगर हम चले जाएं तो -0%, -0000%, कहीं पर तो जाके वो जीरो खत्म होता है ना, जहां पे हमारी जेन के अंदर है कि यार ये -0000% भी जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, कहीं पर तो जाके वो रेशो खत्म होती है ना, ठीक है। तो अब कोई भी ख्वाब अगर हमें इंसान को पूरा करना होता है ना, या कोई भी हमने अगर अपने लिए ड्रीम देखा है, तो उसको जब हमें पूरा करने के ना टोटल
तीन तरीके हैं। सबसे पहले क्या तरीका है कि हमें सबसे पहले उसे अपने माइंड के अंदर लेके आना होता है कि यार मेरा अगर ये ख्वाब है तो सबसे पहले मैं उसे अपने माइंड में लेके आया, ठीक है। देन मैंने उसे उसका स्ट्रक्चर बनाया, अपने जहन में सोचा कि यार जब मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी जो मैंने ख्वाब किया हो, यानी जो मेरा ड्रीम है, यानी अगर मैंने ड्रीम कार लेनी है और वो मैंने ड्रीम पहले अपने दिमाग में सोचूं कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मैं अपने माइंड के अंदर उसका स्ट्रक्चर बनाऊं कि यार जब मेरे पास ये चीज़ होगी तो इसका मतलब मुझे कितना सुकून मिलेगा, ठीक है, कि यार मुझे यार अगर मैंने इस चीज़ की ख्वाहिश की थी तो मुझे आज ये चीज़ मिल गई है मेरी मेहनत के साथ, ठीक है। यानी उसका स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बनेगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम उसे अपने पास राइट डाउन, उसे नोट करके रखें, उसे लिखें कि यार ये हमारा ख्वाब है। रियलिटी जो है ना वो यही है कि अगर हम उसे मतलब जो है ना वो फिजिकली उसको प्रूव तब भी कर सकते हैं जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। अब देखो कि शुरू के अंदर जब हम आज से समझ लो कि 30-40 साल पहले की बात कर लें या 50 साल पहले की बात कर लें, ठीक है, तो जिन लोगों ने मतलब अब एग्जाम्पल देता हूँ कि रोशनी, अब रोशनी जिन लोगों ने बल्ब मुतारिफ कराया उनको कितने को फेलियर आए होंगे, कितने को फेलियर आए होंगे, ठीक है, हजारों बार उन्होंने ट्राई किया होगा, हजारों बार उनको फेलियर आए होंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना 100% पोटेंशियल देते गए और उन्होंने देन बल्ब को ईजाद कर दिया और आज हम लोग जो है ना वो रोशनी के अंदर बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने तब अपने फेलियर्स को जो है ना वो अपने माइंड पे हावी कर लिया था, अपने दिमाग पे हावी कर लिया था कि यार नहीं ये काम हमारे पास का नहीं है, और लोगों की बातें सुन रही होती कि यार ये काम हमारे पास का नहीं है, ठीक है, तो क्या आज रोशनी ईजाद होती या आज बल्ब ईजाद होता? और अगर आज बल्ब ईजाद ना होता, ठीक है, अगर वो लोग अपने फेलियर्स को हावी कर लेते और बल्ब ना बनाते तो क्या आज हम लोग जो है ना वो रोशनी के अंदर बैठे होते? आज ना तो ये वीडियो बन रही होती और ना ही आप लोग जो है ना वो मेरी मतलब जो है ना वो वीडियो को देख पा रहे होते, ठीक है। ये रोशनी बनी उन लोगों को फेलियर्स आए, ठीक है, उन लोगों ने उसको फेस किया, उनको इंप्रूव किया, देन अपनी स्किल्स के थ्रू जो है ना उन्होंने उस चीज़ को जो अपने ड्रीम सोचा था उन्होंने उस चीज़ को ईजाद कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सब कहूंगा कि आप सब जो है ना वो अपनी डायरीज के ऊपर अपने गोल्स को लिखें, ठीक है। सबसे पहले गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है, यानी जिनको आपने 6 मंथ्स के अंदर अंदर पूरा करना है, ठीक है। यार मैं ये नहीं कहता कि आप 6 मंथ्स के अंदर जो है ना वो फरारी का गोल लिख लो, ठीक है, या आप 6 मंथ्स के अंदर कह लो कि यार मुझे अपना वर्ल्ड टूर्स करने हैं, ठीक है। अपने हिसाब से जो है ना वो जो आपके माइंड में चल रहा है कि यार ये मुझे 6 महीनों के अंदर अंदर मैं जो है ना ये ड्रीम अपना पूरा कर सकता हूँ इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने अपने मिड टर्म गोल्स लिखना है, यानी जिनको आप 1 से 2 सालों के अंदर पूरा कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा यानी लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, यानी अगर आपने लॉन्ग टर्म गोल्स में है कि आपके पास एक अच्छा गाड़ी हो, आपके पास एक बड़ी गाड़ी हो, ठीक है, और आपके पास जो है ना वो आप फाइनेंशियली फ्री हो, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और इनका जो ड्यूरेशन होती है वो 7 to 8 years होती है या कईयों के 10 years भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी डायरीज के ऊपर अपने ये तीनों गोल्स लिखें कि आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्या चीज़ चाहिए जो आपने अपनी मेहनत से हासिल करनी है। दूसरे नंबर पर आप अपने मिड टर्म गोल लिखें कि जो आपको विद इन 1-2 years के अंदर चाहिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स लिखें। जब आप अपने गोल्स को लिख के रखेंगे आपके सामने वो चीज़ रहेगी, आप मुसलसल उसे हर रोज लर्निंग करते दौरान देखेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी कि यार मुझे इन चीजों के लिए मेहनत करनी है खुद पे, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेहनत किए बगैर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी तो ये बिल्कुल इंपॉसिबल है, ठीक है। कोई भी चीज आपको घर बैठे बिठाए नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भला वो आप घर बैठ के करें, हार्ड वर्क के जरिए करें या स्मार्ट वर्क के जरिए करें, ठीक है। हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और हमें स्मार्ट वर्क के जरिए जो है ना वो जल्दी से जल्दी कम ड्यूरेशन के अंदर ज्यादा मेहनत करके अपनी 100% पोटेंशियल देके इन सब ड्रीम्स को पूरा करना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है, उसे अपने डायरी में तो नोट करना ही करना, लेकिन उसे अपने फोन के वॉल पे पढ़ पे, यानी फोन तो आपके हाथ में मतलब जो है ना वो कह लें कि अगर आप 24 घंटे एक दिन के होते हो तो कम से कम आपके हाथ में 12 घंटे या 14 घंटे फोन होता ही होता है, ठीक है, या 10 घंटे लगा लो कि आपके हाथ में फोन होता है, आपके हाथ में फोन होता है, आप अपने फोन के ऊपर जो है ना वो अपना जो ड्रीम है, ठीक है, उसको वॉलपेपर लगा के ताकि आप जब भी अपने फोन को पकड़ो आप उसे यूज करो तो आपको पता चले कि यार मेरा ये ड्रीम है, ठीक है। अब मैं भी आप सबको दिखाता हूं कि जो मेरा ड्रीम है, ठीक है, जो मुझे पता है कि यार ये मेरा मिड टर्म गोल है और मुझे इसको पूरा करना है, मैंने अपने फोन के वॉलपेपर के ऊपर जो है ना उसे सेट किया हुआ है, आप ये सब देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें। अब जिस तरह मेरा ड्रीम है कि मुझे अपने लिए जो है ना वो एक हवाई खरीदना है, ठीक है, और उसके अलावा मुझे अपने लिए जो है ना वो एक ट्रक यानी एक डाला खरीदना है, ठीक है, यानी मतलब जो है ना वो समझते हैं डाले को वीगो चैंप, ठीक है, तो मुझे अपने लिए जो है ना वो 4x4 जो है ना वो कार चाहिए, ठीक है।
तो मैंने अपने स्ट्रीम को जो है ना वो अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा के मैं सुबह उठूं, ठीक है, तो मेरी सबसे पहली नजर में सबसे पहले फोन पकड़ता हूं और देखता हूं, सबसे पहले मुझे वो वॉलपेपर नजर आता है, ठीक है, और मेरे माइंड में आता है कि यार मुझे ये चीज हासिल करनी है, ठीक है, और मुझे इसके लिए मेहनत करनी है। देन मैं उठ के बैठ जाता हूं, ठीक है, और मैं मेहनत करता हूं, लर्निंग करता हूं, वर्किंग करता हूं, ठीक है, और जो है ना वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने 100% पोटेंशियल देता हूं, ठीक है। तो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं अपने ड्रीम्स को पूरा भी कर लूंगा, ठीक है, मेरे जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स मैं सोच के रखता हूं, ठीक है, मैंने उसे पूरा किया, ठीक है, और इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप अपने इन ड्रीम्स को भी पूरा करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज दिए गए, आहिस्ता आहिस्ता इन सीरीज के अंदर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर उस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा कि जो आपको आने वाली है या जो आपको वर्क करने के ऊपर मजबूर कर सकती है या जो भी आपसे वर्किंग करवा सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सब गाइड करूंगा, ठीक है। तो अगर तो आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और उसके बाद जो है ना अपनी इस वीडियो को अपनी सारी टीम के साथ शेयर कर दें ताकि आपकी सारी टीम जो है ना वो प्रॉपरली इस सीरीज को वॉच करें, ठीक है, और इसको अपने पास नोट करें और अपनी जो स्किल्स हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करें और अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छा करें, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, बिग गेम।